अगर आपको बेसन का लड्डू खाना बहुत पसंद है और आपसे बन नहीं पाता है तो आप मेरे इस प्रोसेस को जरूर ट्राई करें। तो चलिए आज का मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक पैन में 4 बड़े चम्मच घी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल दी हूँ अभी और 2 चम्मच बाद में ऐड करूंगी। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया है, मैं इसमें 2 कप बेसन डाल दूंगी। दोनों को अच्छे से मिला देंगे और इसे धीमी आंच पे आराम से 20 मिनट तक भूनना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे इस तरीके से लम्स को तोड़ते हुए, तो बेसन को भूनते समय ध्यान रहे कि लो फ्लेम पे ही इसे भूने। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे भूनते हैं तो ये बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसका टेस्ट कड़वा आएगा। धीमी आंच पे आप जैसे बेसन को फ्राई करते हैं तो इसका खुशबू सौंधा सौंधा आता है। थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप बेसन को धीमी आंच पे ही रोस्ट करें। धीरे धीरे बेसन का कलर चेंज होता जाएगा, देख सकते हैं आप। बेसन को जैसे जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ वैसे वैसे बेसन का कलर चेंज होते जा रहा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी इसमें और डाल दूंगी। 2 चम्मच मैं घी पहले ऐड की थी, 1 चम्मच बाद में ऐड कर दी। तो घी का यूज यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट में करूंगी। घी को हमें 2-3 बार करके यूज करना है, एक ही बार सारा घी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी ऐड कर चुकी हूँ, बाकी का बचा हुआ 1 चम्मच घी थोड़ी देर बाद ऐड करूंगी। घी डालने के बाद फिर वापस से लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करना है। बेसन रोस्ट करने का टोटल कुकिंग टाइम 20 से 25 मिनट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे 2 कप बेसन का यूज कर रही हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा बेसन का यूज करते हैं तो रोस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं वापस से 1 चम्मच घी ऐड कर दूंगी क्योंकि बेसन में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं तो लड्डू बिल्कुल भी नहीं बंधेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे घी ऐड करने के बाद बेसन हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। तो अगर आप 2 कप बेसन का यूज कर रहे हैं तो 1/2 कप उसमें घी ऐड करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेसन सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। गैस को मैं बंद कर दी, इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दी। तो पिसा हुआ 1 कप चीनी ऐड करना है। ध्यान रहे चीनी को पीस करके ही ऐड करें ताकि लड्डू में थोड़ा सा दरदरापन आएगा। तो इस तरीके से मैं मिश्रण को रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसे लड्डू के शेप में बनाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा लड्डू बन रहा है, तो मैं इस तरीके से बना लूंगी। अगर आपका मिश्रण गीला हो गया है तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे लड्डू एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ये देख सकते हैं। तो मुझे फ्रिज में रखने का जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से मैं सारा लड्डू बना करके रेडी कर लूँगी। लड्डू बनाते टाइम में ध्यान रखें कि बेसन हल्का गर्म हो, तभी उसमें चीनी डाल करके मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है बेसन को। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लड्डू बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से लड्डू बना करके आप कुछ टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं, मार्केट की तरह ही बिल्कुल खाने में लगता है। तो अगर आपको हमारा लड्डू बनाने का रेसिपी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।